40 डिग्री था, जो कि 14 मिनट। हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे एसएससी ऑफिसर में, और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कैरिंग एंगल को ठीक करें, क्योंकि हम यूट्यूब पर देखते हैं कि बहुत सारी कैरिंग एंगल्स की वीडियोस है, लेकिन किसी से भी हमें सलूशन नहीं मिल पाता कि कैरिंग एंगल ठीक तो ठीक होगा तो कैसे, क्योंकि हम वैसे एक्सरसाइज करते रहते हैं लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है और लास्ट में हम निराश और हताश हो जाते हैं। तो यूट्यूब पर यही एक वीडियो है जिसके माध्यम से आप एसएससी जीडी का मेडिकल आराम से क्लियर कर लोगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम हर एक पॉइंट हर एक डाउट को आपको इस वीडियो में क्लियर करते हुए नजर आएंगे। पहली बात कि एसएससी जीडी का 2021 में का मेरा मेडिकल था, हम भी मेडिकल से पहले काफी ज्यादा परेशान थे। तो हुआ क्या कि एसएससी जीडी का मेडिकल था तो हम परेशान थे, लेकिन हमें बाद में इसका उपाय पता चला। तो पहले हम बता दें कि हमारा कैरिंग एंगल कितना आता है एसएससी जीडी के। पहले हमने एक प्री मेडिकल टेस्ट कराया था, वहां हमारा लेफ्ट हैंड में 27 डिग्री और राइट हैंड में 23-24 डिग्री नापा गया था। तो हम काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि हमारा नंबर काफी अच्छा खासा था, लेकिन हमारा जो कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम था वो काफी मेजर प्रॉब्लम हो गया था। तो हम दिखाते हैं कि हमारा कैरिंग एंगल कितना है। अब हमारे इस एंगल के, ये एंगल आप किसी भी मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन परचेज करोगे, गेनियोमीटर पर आ जाता है, तो गेनियोमीटर में दिखाया जाएगा कि आपको मिल जाएगा। तो देखिए मेरा कितना डिग्री दिखा रहा है, इसमें महज आपको दिखाई दे रहा होगा 14 डिग्री आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा होगा। देखिए ये हमारा 23-24 डिग्री था, जो कि 14 डिग्री पे आ चुका है। और इस हाथ में जो कि हमारा 28-29 था, इस हाथ का हम वीडियो भी दिखा देते हैं कि कितना बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हाथ में भी आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा होगा कि इस हाथ में भी, देखिए ये मीटर आपको अवेलेबल मिल जाएगा अमेजोन पे। तो ये देखिए आपको इस हाथ में थोड़ा सा दिखाई देता हूँ, 15-16 डिग्री इस हाथ में भी आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, 14 डिग्री अभी आ रहा है, तो आप देख सकते हो 14 डिग्री आ रहा है। देखिए इस एंगल में मेरा थोड़ा सा अभी भी एंगल बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो पहले काफ़ी ज़्यादा एंगल था। मैं पहले का भी वीडियो पुट कर दूंगा। तो मैंने अपने कैरिंग एंगल का प्रॉब्लम को कैसे सलूशन किया, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो एक एपरेटस बोलकर एक मशीन आता है, इसे आपको आपको हाथ का नाप देकर बनवाना पड़ता है कि आपका हाथ का एंगल कितना बन रहा है, उस एंगल को लेकर आपका वो एपरेटस तैयार होता है। तो इसको बनाने के लिए आपको वहां पर जाना होगा, जो भी हमारा फिजियोथेरेपिस्ट और एक मेडिकल ऑफिसर और जो भी इसके बारे में जानते हैं वो आपके लिए बनाएंगे। तो हम कैसे बनता है उसका भी वीडियो आगे डालेंगे, पहले हम दिखा दें कि हम कैसे इसे पहनते हैं और कैसे इससे ठीक होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसे पहनने पर। तो ये देखिए, ये जो है एपरेटस है, इसे पहना जाता है हाथों में, जिस वजह से जो हाथों का एंगल हो वो कम हो जाता है। कम क्या, ठीक हो जाता है, आपको पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर आप, हमने तो 21 दिन पहले इसे मंगाया था, अपने हाथों को नाप देकर बनवाया था, तो 21 दिन में हमारा ठीक हो गया था। लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत किया था, हम 3-4 घंटा डेली पहनते थे। आप नहीं पहन पाओगे क्योंकि इसे पहनना थोड़ा सा मुश्किल है, हाथ का इस एंगल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। देखिए अभी भी मेरा थोड़ा थोड़ा एंगल इस हाथ में दिख रहा होगा, इस हाथ में पूरा खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए एंगल तो मेरा था, लेकिन इस बार काफ़ी कम हो चुका है फिर पहले से, और हम अभी भी इसे पहनेंगे जब तक हमारा मेडिकल ना हो जाए। तो देखिए इसे इस प्रकार पहना जाता है, दूसरे इसे आप आराम से पहन सकते हो अकेले ही। सूर्य सूर्य में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना होना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी हाथों में पेन करती है, अगर नो पेन तो नो गेन इसका यही का नाम है। थोड़ा सा पेन आपको सहना होगा आपको, अगर इससे अगर आप अच्छे खासे नंबर ला चुके हो एसएससीडी में और इस एंगल के लिए आप अगर बाहर हो जाओ तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो हम बता दें कि इस एंगल को कैसे दूर किया जाता है, हम सारे भाई और मित्रजनों के लिए ये वीडियो ला दिए हैं यूट्यूब पर। पहली बार है कि कैरिंग एंगल का संपूर्ण सलूशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता पड़ती हुई नज़र नहीं आएगी।
ये देखिए, ये जो है इस साइड में आपको गैप नजर आ रहा होगा, देखिए इस साइड में आप तो देख सकते हो, तो ये गैप नजर आ रहा है, ये इस साइड यहाँ से प्रेशर बनता है और आपको अंदर की तरफ इस एंगल को लेकर अंदर की तरफ लेकर जाती है, जिसकी वजह से ये एंगल धीरे धीरे कम होने लगता है, काफी ज्यादा इस पर फोर्स पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिस कारण से ये एंगल कम होने लगता है। हम अभी पहने नहीं है ठीक से, आपको पहन कर पूछे अच्छे से दिखा देते हैं कि किस तरह फोर्स जनरेट होती है और जिस फोर्स के कारण आपका कैरी एंगल जो है जो काफी बाहर निकल चुका है उसे आपको कम करते हुए नजर आती है। तो हम दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर कि कैसे आप अपना कैरिंग एंगल आसानी से कम कर सकते हो। देखो देखिए कितना ज्यादा प्रेशर इस पे पड़ रहा है और कितनी ज्यादा फोर्स इस पे पड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए और भी हम कस दिए, अब देखिए कितनी ज्यादा टाइट हो चुकी है ये एंगल और इस एंगल को पूरी तरीके से हमारा फोर्स पड़ रहा है इस साइड में, और इसे धीरे धीरे और भी आप फोर्स करके इसे आगे की ओर धकेलते रहोगे आप, तो जितना फोर्स इस पर पड़ेगा उतना ही जल्द आपका एंगल ठीक होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए पूरी तरीके से फोर्स पड़ रही है हमारी इधर, थोड़ा सा पेन भी होने लगेगा आधे घंटे बाद, लेकिन फिर भी हम इसे पहनना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये जो गैपिंग है गैपिंग को धीरे धीरे दूर कर देगी। तो जिनको भी ये कैरिंग एंगल कैसे बनता है इसका वीडियो हम दिखा देंगे और कैसे कहाँ बनाया जाए इसका भी वीडियो हम बना देंगे। तो कैसे बनता है ये सारी जानकारी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे कैसे इसे बनाया जा सकता है, कैसे आप बना सकते हो। तो किसी को भी अगर कैरी एंगल का समस्या है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका भाई है और कैरी एंगल का कोई भी ट्रीटमेंट हो आपको हम करवा देंगे और आपको कुछ एक्सरसाइज बता देंगे इस वीडियो के एंड में कि कैसे आप कैरी एंगल को ठीक कर सकते हो। तो हम बता दें कि कैरी एंगल अभी हम खोल दे रहे हैं इसको क्योंकि आपके लिए वीडियो भी बनाना है। तो हम बता दें कि अगर आप इसे परचेस इसे बना लेते हो तो आपका कैरिंग एंगल कम से कम एक मंथ आपको टाइम देना होगा, एक मंथ पहले अगर आप बना लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेडिकल में काफ़ी कम समय हमें देखने को मिलेगा इस बार के SSCD में, काफ़ी तेज़ी से इस बार का प्रोसेस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिन भाइयों को कैरिंग एंगल की समस्या है और नौकनी की भी समस्या है, नौकनी में भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो नौकनी होता है, देखिए मेरा नौकनी देख लीजिए, डाउन कीजिए थोड़ा पैरों को दिखाइए, देखिए मेरा नौकनी का प्रॉब्लम तो था नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर जो गैप रहता है किसी किसी का नहीं रहता है, तो इसी की तरह एक एपरेटस आता है वहाँ पर अगर इसे पहन लिया जाए और उसके बीच में गैप जिस तरह से ये अंदर की ओर फोर्स कर रहा था एंगल में, वो वही वाला मशीन बना दिया जाता है और वो फोर्स बाहर की तरफ पड़ता है, तो यहाँ से जब आपका बाहर की तरफ फोर्स करेगा तो आपका जो नौकनी जो सटा हुआ रहेगा वो बाहर की तरफ आ जाएगा और आपकी ये जो समस्या होगी नौकनी की भी वो भी सोल्यूशन हो जाएगी। तो हम उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाएंगे, अभी हम कैरिंग एंगल के ऊपर बनाए तो कैरिंग एंगल के बारे में बता दें, मेडिकल से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन हमें पता है, तो हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स हैं और आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना होगा और हम बहुत ही जल्द आपसे दावा करते हैं कि आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको सटीक से सटीक जानकारी देते हुए नजर आएंगे। और कैरिंग एंगल का जो भी प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर संपर्क कर लीजिए क्योंकि देखिए हमारा भी कैरिंग एंगल काफी अच्छा खासा था और इस एंगल में भी है भी अभी हल्का फल्का, और हमारा अगली बार मेडिकल पास हो गया था जो कि हमारा 27 था, उस टाइम तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हम पास हो पाएंगे लेकिन हम फिर भी पास हो गए थे, और इस बार तो हमारा कैरिंग एंगल 16 से 17 डिग्री ही आ रहा है, तो हमारी टेंशन काफी कम हो चुकी है और हम निश्चिंत हो चुके। तो आपको भी अगर ये टेंशन दूर करना है तो जरूर आप अपना हम कमेंट बॉक्स में अपना एक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस नंबर पे आपको जरूर हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको संपूर्ण डिटेल्स आपको देते हुए नजर आएंगे। ओके बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद भाइयों।